प्रणाम भैया। दीर्घायु भवा। भैया मुझे किस कारण से जगाया गया है? हे तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसलिए तुम्हें आ समय में ही जगाया गया है। कुंभकर्ण मेरे भाई, आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। भैया, मां जगत जननी सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की धर्म और नीति युक्त बात नहीं मानी, केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। ये उसी का परिणाम है जिसे सारे लंकावासी भोग रहे हैं। क्यों हमें गुरु या आचार्य की भांति उपदेश सुना रहा है? तो जाओ, जाकर सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। इस समय तुम्हारा क्या धर्म है वही बात करो। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। यदि तुम्हें कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता तो युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। रावण को अपनी आन निभाना और शान से जीना मरना दोनों आता है। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने आपसे जो कुछ कहा वो एक सच्चा हितेशी होने के नाते कहा। वो मेरा अधिकार भी था और धर्म भी। इस समय मुझे क्या करना है इस बारे में ना तो मेरे मन में कोई शंका है और ना पथ पर कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही कर्तव्य, एक ही धर्म है कि जब तक वो जीवित है, स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा भाई किसी चिंता में है और उस पर कोई संकट आ जाए तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले उन वनवासी राजकुमारों के मस्तक गेंद की भांति लंका की गलियों में लुढ़काता हुआ लाऊंगा, ताकि युद्ध भूमि में जिनके सगे संबंधी मारे जा चुके हैं वो भी उन्हें एक एक ठोकर मार सके। भैया, अब मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। जाओ कुंभकर्ण, विजय भवा। जय लंकेश। प्राण नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। यह असंभव है, असत्य है। यह सत्य है पिताश्री कि काका कुंभकर्ण युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। इंद्रजीत, यह असत्य है। यह सत्य है पिताश्री। कुंभकर्ण मेरे भाई, हमने ब्रह्मा से तुम्हारे जागने का एक दिन इसलिए नहीं मांगा था कि तुम लंकेश की आन पर अपने प्राण की आहुति दे दो। पिताश्री,
ये इस समय शोक का नहीं, बदला लेने का है। एक पर्वत के टूट जाने से पूरी पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ जाती। आप मुझे युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा प्रदान करें। मैं उन दोनों मानव राम लक्ष्मण के मस्तक को काटकर आपके चरणों में नाला गया तो मेरा नाम ही इंद्रजीत नहीं। पिताश्री, मुझे आज्ञा दे। जाओ इंद्रजीत, आज नई जीत का कीर्तिमान स्थापित करके लौटो। विजयी भव।